रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास की वो महिला है जिसने भरतनाट्यम कला को दुनिया भर में न केवल मंच पर प्रस्तुत किया बल्कि सामान्य जनता को भी इस नृत्य शैली से जुड़ने का मौका दिया। आज हिंदी रेडियो के इस खास एपिसोड में हम रुक्मणी देवी के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया था पर उन्होंने ये कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वो सिर्फ भरतनाट्यम के लिए बनी है। भारत के इतिहास की छवि कलात्मक रही है और इन्हीं कलाओं को कई सारे कलाकारों ने जिंदा रखा। रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत के खूबसूरत शहर मदुराई में 29 फरवरी 1904 को हुआ था। उनके पिताजी नीलकंठ शास्त्री पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर थे तो वहीं माताजी शेषम्मल संगीत जगत की जानकार महिला थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एनी बेजेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी से रुक्मणी देवी का परिवार खास रूप से जुड़ा हुआ था। उसी सोसाइटी के एक सदस्य जॉर्ज अरुंडेल का रिश्ता रुक्मणी से इस हद तक जुड़ गया कि रुक्मणी के पिताजी ने भी उनका कड़ा विरोध किया। संस्कृत भाषा के जानकार नीलकंठ शास्त्री को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उनकी 16 साल की बेटी रुक्मणी देवी ने अपने से 24 साल बड़े जॉर्ज अरुंडेल से शादी करने का निर्णय लिया। 1920 के साल में दोनों की शादी हुई थी। उस वक्त 40 साल के जॉर्ज अरुंडेल को चारों तरफ से कटाक्ष का सामना करना पड़ा। ये वाक्या दिखने में भी गलत था पर शादी के बाद रुक्मणी देवी में परिवर्तन आने लगा। उनके पति ने उन्हें भरतनाट्यम सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही वे उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों में होने वाले थियोसॉफिकल सोसाइटी के समारोह में लेकर भी जाते थे। एक दिन उनकी मुलाकात रूस के विश्व प्रसिद्ध डांसर एना पावलोवा से हुई जो उन दिनों मुंबई में थी। उनका अगला प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था और इत्तेफाक से रुक्मणी भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। वे एक साथ वहां गए और परफॉर्मेंस के बाद रुक्मणी देवी को भी डांस सीखने की इच्छा होने लगी। एना से डांस सीखते वक्त उन्हें ये भी एहसास हुआ कि विदेशी नृत्य शैली के बजाय भारतीय नृत्य सीखने में असली मजा है। भारत पहुंचकर उन्होंने मीनाक्षी सुमंदर नामक एक भरतनाट्यम शिक्षिका को अपना गुरु बनाया और लंबे अवधि के साथ भरतनाट्यम के हर एक दायरे से खुद को प्रशिक्षित कर लिया। अंततः उम्र के 30वें साल में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक परफॉर्मेंस किया जिसकी खूब चर्चा हुई और थोड़े ही समय में रुक्मणी देवी भरतनाट्यम का चेहरा बन गई। अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देख रुक्मणी देवी ने 1936 के साल में चेन्नई के नज़दीक कला क्षेत्र नामक एक इंस्टीट्यूट की नींव रखी। यहाँ उन्होंने भरतनाट्यम संबंधित गलत धारणाओं को सही साबित करने का प्रयास किया और भारतीय साड़ी के अलग अलग पैटर्न का आविष्कार भी किया। भारत के आज़ादी के बाद भी रुक्मणी देवी ने उस वक्त की सरकार की देखरेख में अपना कार्य जारी रखा। इसी प्रयास को देखकर 1956 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला जो किसी भी व्यक्ति को मिलने वाला दूसरे क्रमांक का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद 1967 में उन्हें संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार भी मिला। ये बताना भी जरूरी है कि रुक्मणी देवी भारत की पहली महिला थी जिन्हें रिजर्व कैटेगरी में राज्यसभा सांसद बनने का बड़ा मौका मिला। 1952 से लेकर 1962 तक रुक्मणी देवी राज्यसभा की सांसद थी। किसी भी कला या सामाजिक स्तर पर बड़ा काम करने वाले इंसान को बिना इलेक्शन के इस पद पर बिठाया जाता है। उनके कार्यकाल में रुक्मणी देवी ने जानवरों पर होने वाले कुव्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। इसके फलस्वरूप उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट लागू किया। उनके कार्यकाल के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते रुक्मणी देवी ने आजीवन शाकाहारी आहार को बढ़ावा दिया। रुक्मणी देवी 1945 में ही विधवा हो चुकी थी परंतु अपने जीवन की हर एक सांस उन्होंने भरतनाट्यम और सामाजिक कार्यों को बहाल कर दिया था। उनके इसी प्रयास को देखकर मुरारजी देसाई ने उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जिसे उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। आखिरकार 24 फरवरी 1986 में रुक्मणी देवी ने आखिरी सांस ली। इस सशक्त महिला को हिंदी रेडियो की तरफ से प्रणाम है।